तो भाई अब हम आ गए हैं अपने क्रम ब्रोज़र पर और इस पर हम टाइप करेंगे यू पी पी सी एल यह टाइप करते ही फ्रेंड्स एक पेज ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा नेट थोड़ा स्लो है सर कोई नहीं तो अब इस पर हम क्विक बिल पे के जो आइकन आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे क्लिक करते ही एक इंटरफेस सामने आ जाएगा जो पेज सामने देख रहे हैं इस पर हम अपने बारह अंक जो होते हैं जो हमारे बिल के ऊपर हमारा अकाउंट नंबर होता है वो इसके ऊपर फिलिप करेंगे तो फैंस अब हम इसको करते हैं आइए देखते हैं फैंस आपको बता दें यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के ट्वेल्व नंबर होते हैं और नगरीय क्षेत्र के टेन नंबर होते हैं तो हम फिलहाल ग्रामीण के ऊपर बात करेंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये फिलअप कर दिया है अब नीचे हम कैप्चा डालेंगे कैप्चा विशेष ध्यान से डालना है अगर किसी कारण आप गलत कर गए तो ये सबमिट के बाद कैंसिल हो जाएगा और आप सही से अगर करते हैं तो आपको हम अभी बता ही रहे हैं देखते हैं क्या होता है तो अब अब अभी इस पर सबमिट कर दिया है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है स्टार्ट के बाद अभी आप देखेंगे कि एक हमारा पेज ओपन होने जा रहा है हो ही गया है तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे इसमें ट्रिपल जीरो आ रहा है ये हमारा बैलेंस इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी पेमेंट जमा किया हुआ है लेकिन हम इसमें बिल प्रिंट पे जाएंगे जो नीचे की तरफ है इस पर हम जैसे ही इसको पुश करेंगे तो इस तरह से हमारा सामने आप देख रहे होंगे बिल एक आ जाएगा हम आसानी से अपना टोटल बिल पूरा आसानी से स्क्रॉल करके देख सकते हैं दूसरी साइड फिर हम प्रिंट रिपोर्ट पे जाएंगे, इससे हमारा लास्ट टाइम की जो हमारी रसीद होती है जो हमने पेमेंट जमा किया हुआ होता है वो इस पर शो करता है ये हर बिल के पास एक रसीद जनरेट होती है जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद